महोबा शहर में छजुमनपुरा इलाके में विद्युत शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई और इस अग्निकांड से मकान में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सुशील तिवारी अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तभी तड़के सुबह 4 बजे के बाद धुआं उठने और चिंगारियों की आवाज से आग खुली, जिसके बाद घर के बाहर देखा तो पूरा मकान आग से घिरा हुआ था। आनंद फानन में जान बचाने के लिए घर से बाहर लोग निकले और पड़ोसियों की मदद से जो है कड़ी मशक्कत से आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक तकरीबन 250 लाख रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हो गया था। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मदद और मुआवजे की मांग भी की है। एक रात में लाइट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, जो भी हो गया हो वो ऐसी आग लगी, वो पूरा सामान सुहा हो गया, गृहस्थी का कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। और ये कि सुबह 4 बजे करीब मैडम उठी तो ये ऊपर से ये इतनी गर्माहट की वजह से कि लेंटर के टुकड़े गिरने लगे थे ऊपर से, और ये फ्रिज का पल्ला गिरा तो आवाज़ आई, तो हमका ये काई की आवाज़, हमने सोचा कि बारूद आग जो चल रही है बगल में सारे।